जाए। अशरफ सांवल ने सैदपुर से अगवा होने वाली दो बहनों की मुकम्मल तफसील बताई। और अब खबर है जंबर से, जहां पर एक निजी स्कूल की अहम तकरीब हुई है। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद रफीक जोया की ये रिपोर्ट। जंबर में मिसाली प्री कैडेट स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। मैं मुजफ्फरगढ़ की तरह इस इलाके में भी अपना नाम पैदा करना चाहता हूँ। हम इलम को इबादत समझ कर फैला रहे हैं। मोहम्मद अबू बकर की गुफ्तगू। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया, जिसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल प्री कैडेट स्कूल मोहम्मद अबू बकर का कहना था कि हमारा स्कूल इलाके में बेहतरीन तालीम के फ़रोग के लिए दिन रात काम करेगा। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी ग्रुप एडमन जोया प्रेस ऑफिस जंबर मोहम्मद रफीक जोया, CEO शेरबानी गार्डन, हाजी मोहम्मद परवेज़, मोहम्मद अशरफ बेटू और साबक चेयरमैन मोहियुद्दीन समेत दीगर थे। साथी कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ मोहम्मद रफीक जोया, फर्स्ट न्यूज पतोकी। जंबर ही से एक और खबर, पुलिस हमेशा आवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए तैयार रहती है। चौकी इंचार्ज जंबर ने जोया प्रेस ऑफिस में खसूसी गुफ्तगू की, देखिए ये खसूसी रिपोर्ट। तहसील पतोकी थाना सदर फूलनगर पुलिस चौकी जंबर के इंचार्ज मोहम्मद अमीन का कहना है कि चोरों और डाकुओं के लिए जंबर की जमीन तंग कर देंगे। अवाम और सहाफ़ी मेरा साथ दें, इंशाल्लाह इलाके को जराइम से पाक करके ही दम लेंगे। मेरा इस इलाके में कोई वाकफ नहीं, अवाम और सहाफ़ी मेरा साथ दें। जंबर पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद अमीन का मजीद कहना था कि थाना के इलाके में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र ASI मेहर मोहम्मद इस्माइल को भी दोबारा पुलिस चौकी जंबर में बुलवा लिया है। इस मौका पर ग्रुप एडमन मोहम्मद रफीक जोया, नंबरदार राणा मोहम्मद शकील अहमद, सीनियर एडवोकेट हाफज मोहम्मद नज़ीर और मकामी समाजी रहनुमा हाजी मोहम्मद रफीक बेटू समेत दीगर मौजूद थे। साथी कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ मोहम्मद रफीक जोया, पत्तों की। इलाहाबाद में स्कूल इम्तिहानात के मौका पर बच्चों के साथ इंतजामिया की महकमाना गफलत।